नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर में बढ़ते चोरी के मामले, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्वालियर व्यापार मेले में अटकले फंसी हुई, सीएम शिवराज से सहायता की उम्मीद। डीआईजी मनीष कपूरिया ने किया पदभार ग्रहण, वरिष्ठ अधिकारियों ने की अगवानी। भोपाल में महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस का प्रदर्शन, गैस सिलेंडर को माला पहनाकर दी श्रद्धांजलि। इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वाहन चोरी पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार सिविल ड्रेस में शहर के व्यस्ततम इलाकों पर अपनी निगाहें बनाए रहती है। वहीं पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में वाहन चोरी करने आए एक वाहन चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में देर रात वाहन चोरी हुई और चोर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, अभी चेकिंग के, हाँ अभी जैसे 56 दुकान है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इस एरिया में शॉपिंग मॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ सिटी सेंटर पर भी काफ़ी सारे वाहन पार्क होते हैं। आसपास में जो ट्रेड सेंटर है वहाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग होती है। 56 दुकान पर बहुत सारा क्राउड आता है, तो वहाँ से गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं। उस पर से अभी एक वाहन चोर है अभिषेक, उसको एक चोरी की गाड़ी के साथ पकड़ा है हमारी टीम ने। उससे भी सर क्या उससे भी पूछताछ में हाँ पूछताछ उससे की गई है, उसमें और भी चीज़ें मिलने की संभावना है। ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर अटकलें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खत्म कर सकते हैं। बता दें, 7 फरवरी को ग्वालियर आगमन के दौरान शिवराज खुद मेला आयोजन की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को इस संबंध में भोपाल से संकेत मिले हैं, जिसके आधार पर मेला सचिव और प्रबंधक ने तैयारियां तेज कर दी है और मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। झूले लगा के खड़े रख रहे हैं, अभी तो परमिशन ही नहीं आई तो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल भी परेशान है, बिल्कुल लेबर डली है। 15-20 आदमी आ चुके हैं, अखबार में खबर आई कि मेला लग रहा है, तो उस तरीके से तैयारी की। कोरोना के चक्कर में तो परेशानी है सभी सर। इंदौर के पूर्व डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के आईजी बनने के बाद इंदौर के डीआईजी पद पर मनीष कपूरिया ने पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर इंदौर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवागत डीआईजी मनीष कपूरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर में उनकी प्राथमिकता संगठित अपराध की कमर तोड़ना है, साथ ही महिला अपराधों को लेकर भी लगातार पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पुलिसिंग, एक कहावत अंग्रेजी में कि द सोशल कॉन्शियंस इन एक्शन इज कॉल्ड पुलिस, मतलब सामाजिक अंतश्चेतना जब मूर्त स्वरूप लेती है तो वो पुलिस होती है। मैंने वर्दी पहनी है, आपने नहीं पहनी, तो इस मानदंड से प्रत्येक नागरिक भी पुलिस ऑफिसर है और सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे इंदौर के लिए। उसको क्राइम फ्री करना बहुत अच्छी बात है कि इंदौर इज़ नंबर 1 इन क्लीनलीनेस, भारत में नंबर 1 है सफाई के तौर पे। मैं चाहूँगा कि यही मानदंड पुलिसिंग में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में रहें और इस सफाई में नंबर 1 बनाने में जो यहाँ के नागरिक हैं उनका बहुत सहयोग रहा है। उसके बगैर कोई शहर नंबर 1 हो नहीं सकता, क्लीनलीनेस हो नहीं सकती। और यही चीज़ एप्लीकेबल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में भी, कानून व्यवस्था में भी, अपनी सोसाइटी को क्राइम फ्री करने में भी। तो आई एक्सपेक्ट कि यही जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये यहाँ की जो नागरिक हैं जो उनसे अपेक्षित है और उसमें सफलता मिलेगी। तो ड्रग्स का भी काफी इसमें शासन की भी नीति है कि सब प्रकार के माफिया समाप्त किए जाने हैं, उसमें ड्रग माफिया, उसमें मिलावट का माफिया, अन्य भी जितने प्रकार के हैं उनको नेस्तनाबूद करना है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्राइम अगेंस्ट वुमेन,
जिसको कि किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और वट एवर इज़ पॉसिबल वी डू स्ट्रिक्टेस्ट लीगल एक्शन, जो कठिनतम कठोरतम वैधानिक प्रावधान हैं उनका अनुपालन किया जाएगा, एंड वी विल नॉट टॉलरेट एनी लैक्सिटी व्हाट्सो एवर इन दैट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जैन इंदौर के लिए है अभी, वो यहाँ का ट्रैफिक है, क्योंकि ये महानगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है काल समय के साथ साथ, किंतु उतना ही ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ गया है, आप सब भी महसूस करते होंगे, और उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। विल डू ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे, आपसे भी सलाह लेकर के, और जो कंजेशन वाली रोड्स हैं उस पर कैसे बेहतर ट्रैफिक मैनेज किया जा सके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। महिला संबंधी अपराधों को लेकर मैंने आपको बताया कि महिला संबंधी अपराधों पे ज़ीरो टॉलरेंस है, बेटियां सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस करें, कॉन्फिडेंस रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे भी महिलाओं का आवागमन है, किसी प्रकार की भी कोई अनैतिक काम ना हो, कोई अपराध घटित ना हो, ये हम सबका कलेक्टिव उत्तरदायित्व है, विल डू इट। सर, व्यवहार को लेकर किस तरह के संदेश जारी किए जाएंगे पुलिसकर्मियों को, फरियादी के लिए व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, कई बार ये बातें सामने आती हैं। मैंने आपसे बिल्कुल शुरुआत में ही कहा कि मैंने वर्दी पहनी है, आपने नहीं पहनी, आप भी पुलिस अफसर हैं, सबसे अपेक्षित है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखें, आपस में बहुत सहजता से पेश आएँ, और मुझे लगता है कि इंदौर सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है, बहुत इतिहास है सांस्कृतिक प्रबुद्धता का, शुचिता का, तो इसमें पुलिस भी पीछे नहीं रहेगी। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महापौर विभा पटेल और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने पारंपरिक चूल्हा जलाकर चाय बनाई और बढ़ते दामों को लेकर गैस सिलेंडर पर माला डालकर श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ एक साइकिल पर मामा जी की साइकिल लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज भी कसा। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर रोजाना महीने में 2 से 3 बार रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। पहले रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मार्च के बाद जो सब्सिडी आया करती थी वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। डीजल और पेट्रोल के दाम सुबह 6 बजे रोजाना बढ़े मिलते हैं, और कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ गया। डीजल और पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो घर का बजट खराब हो जाता है। चाहे वो गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, जब ये दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई की मार पड़ती है, और खाने की वस्तु हो या अन्य वस्तु हो, सब महंगे हो जाते हैं। दाल, चावल, आटा, घर में जो भी लगता है, मसाला, तेल, सभी महंगे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आज गृहिणियों को, हमारी मातृशक्ति को, घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम अपनी बहनों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोशनपुरे पे, और हमारे कांग्रेस की परिवार की ये सभी महिलाएं बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं बताना और दर्शाना चाहते हैं कि वही हम 40 साल पहले जो चूल्हा चकिया हुआ करती थी, चूल्हे पे जो रोटी बनाया करते थे, हमारी बहन बेटियाँ बनाती थी, हमारी माताएं बनाती थी, वही 40 साल पुरानी आज याद यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, और वो याद आज ताज़ा हो रही है कि कहीं ना कहीं आज हमारी मातृशक्ति चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ जनता की बुलंद आवाज़।